अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेडिकेशन सेफ्टी को। आज हमारे पास जो है पेशेंट सेफ्टी का लास्ट लेक्चर है, मेथड्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। कैन एनीवन टेल, लास्ट लेक्चर में हमने 5 आर्स किए थे मेडिकेशन सेफ्टी के। आलिया शहबाज, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, 5 आवर्स में आते हैं राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट एंड राइट टाइम। वेरी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट को, जो अप्लाइड साइंसेस की ब्रांच है। नेक्स्ट जो है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल क्या है और उसके मेथड्स क्या होते हैं। चेंज कॉन्सेप्ट्स है, उसकी डेफिनेशन को देख लेंगे। और लास्टली जो है, हम डिफरेंट मेथड्स या टूल्स क्या यूज कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन क्लिनिकल केयर। फर्स्ट इज द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बेसिकली अप्लाइड साइंस की ब्रांच है। साइंस के 2 ब्रांचेज होते हैं। वन इज बेसिक साइंसेज होती है, दैट इज फॉर नॉलेज, एंड अदर वन इज अप्लाइड साइंसेज। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो अप्लाइड साइंसेज के ब्रांच होते हैं, और उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि थ्रू रिसर्च, थ्रू इंटरवेंशन जो है, ऐसी इनोवेशंस लाई जाएं ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम बेहतर कर सकें। उसके अंदर जो है 4 के बेसिक स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आप एक सिस्टम को अप्रिशिएट करें। उसी सिस्टम के अंदर कोई वेरिएशन है, एनीथिंग विच इज़ अबनॉर्मल, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको भी अप्रिशिएट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। 3rd इज द थियोरी ऑफ नॉलेज है। एंड लास्ट जो है वो साइकोलॉजी है, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी स्टडी किया जाए। नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, उन्होंने 2 जो है वो मेजर्स बनाए हैं, 2 डिफरेंट टेक्निक्स बनाई हुई हैं, और उसका क्या पर्पस हो सकता है। 1 इज जो हम सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए जो मेजरमेंट्स लेते हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। 2, जो हम लर्निंग और किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, किसी टेक्निक को या ऑनगोइंग कोई मेडिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। 1, जो सिंपली रिसर्च के लिए है, नॉलेज बेस्ड होती है, उसके अंदर जो डाटा कलेक्शन होती है वो लार्ज होती है,
और उसके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो लार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर डाटा कलेक्शन लार्ज होती है, उसमें बायस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो यूजुअली सिंगल टेस्ट होता है और लार्ज ब्लाइंड टेस्ट होता है। इसका बेसिक पर्पज ये है कि कोई न्यू जो नॉलेज है उसको हम ऐड कर सकें। ऑन अदर हैंड जो हम रिसर्च जो है लर्निंग के लिए कर रहे हैं, या किसी प्रोसेस को मैंने बताया या टेक्निक है, कोई मेडिकेशन हो सकती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो ऑन गोइंग हमारी प्रैक्टिस है उसके अंदर हम किसी न्यू नॉलेज को ऐड कर सकें। इस केस के अंदर जो है हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो टेस्ट होते हैं उनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, उसके अंदर जो डाटा कलेक्शन होती है वो शॉर्ट होती है। दैट्स रीजन कि हम शॉर्ट टेस्ट को जो है रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करना भी ज़्यादा इजी होता है। इन दैट केस हमारे पास शॉर्ट टेस्ट होते हैं, डाटा कलेक्शन शॉर्ट होती है, उसमें बायस के चांसेस भी कम होते हैं और बायस को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के मॉडल क्या हो सकता है और मेथड्स क्या होते हैं। सो डिफरेंस है, मॉडल डिफरेंट है और मेथड्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो एक मॉडल उन्होंने डिस्क्राइब किया है, दिस इज कॉल्ड अ PDSS साइकिल, प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक वार्ड के अंदर कोई भी ऑलरेडी कोई प्रोसीजर जो है वो ऑनगोइंग है, कोई टेक्निक जो है वो चल रही है, उसके अंदर हम एक एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं कि हम उसके अंदर क्या चेंज लेकर आ सकते हैं। दिस इज द स्टेप वन कि आपने प्लान किया है कि हम ये चेंज लाना चाहते हैं। नंबर टू, आप वो चेंज लेकर आते हैं, आप वो सर्जिकल टेक्निक को चेंज करते हैं, ये सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप के अंदर जो होता है वो स्टडी करना होता है, जो आप चेंज लेकर आए हैं उसको आपने डॉक्यूमेंट किया, फिर उस पर रिसर्च की, उस पर रिव्यूज लिए, आइदर जो ओल्ड टेक्निक थी वो बेटर थी या जो हमने न्यू टेक्निक जो इम्प्लीमेंट की है वो ज़्यादा बेहतर है। दैट कम्स अंडर स्टडी। लास्ट होता है एक्ट। एक्ट के अंदर ये है कि जब स्टडी के अंदर हमने रिसर्च की, रिव्यूज लिए, हमने उसका कंक्लूजन निकाल लिया कि न्यू टेक्निक बेटर है एज कम्पेयर टू द ओल्डर टेक्निक, अब हमने उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना ओवरऑल द वार्ड के अंदर या होल ऑफ द सर्जिकल फ्लोर के अंदर। दिस इज द PDSS साइकिल। पी के अंदर प्लान होता है कि हम कोई भी न्यू चेंज या टेस्ट उसको प्लान करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डू, उस चेंज या टेस्ट को है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर थ्री, उस जो चेंज है, जो टेस्ट है या जो हमारे पास रिसर्च होगी हो सकती है उसको स्टडी करना। नेक्स्ट जो हमने कंक्लूजन निकाला उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना। नेक्स्ट आर द चेंज कॉन्सेप्ट्स। चेंज कॉन्सेप्ट्स कोई भी जनरल आइडियाज हो सकते हैं जिनकी लॉजिकल और साइंटिफिक फाउंडेशन भी होगी, और उनका बेसिक पर्पस ये होगा कि हम जो है इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। चेंज की 9 कैटेगरीज होती हैं जो इंडिविजुअल पर भी फोकस करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर भी फोकस करती हैं, अगर हमारा कंसर्न कोई सिस्टम है उस पर भी फोकस करती हैं। चेंज के अंदर क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? नंबर वन, एलिमिनेट द वेस्ट। अगर इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट है या किसी सिस्टम के अंदर हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमने वेस्ट को एलिमिनेट करना है, उन फैक्टर्स को हमने एलिमिनेट करना है जो टाइम वेस्टेज भी है, उसके अंदर हमें एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ रही है लेकिन उसकी आउटकम नहीं है। नंबर टू, वर्क फ्लो को हमने इम्प्रूव करना है, इन्वेंट्री को हमने ऑप्टिमाइज करना है, जो हम भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनको यूज़ करना है, उनको अपनी ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने सूटेबल बनाना है। आपकी वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेनिंग है, आपने उसको चेंज करना है। पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, अलॉन्ग विद डैट जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, और कोई भी आपकी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर कोई वेरिएशन है, एनीथिंग विच इज बिसाइड्स द नॉर्मल, उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि जो लाइफ होती है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर वेरिएशन आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, आपने उनके साथ कैसे कॉप अप करना है।
ऐसे सिस्टम्स को आपने डिजाइन करना है ताकि जो मिस्टेक्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाए, या जो मिस्टेक्स इफ दे हैपन उनको नेक्स्ट टाइम जो है रिपीट होने से प्रिवेंट किया जाए। लास्टली जो हमारा गोल है और फोकस जो है वो सेफ पेशेंट सेफ्टी पर हो, सर्विस के ऊपर। नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट मेथड्स होते हैं। नंबर वन CPI है, अदर वन जो है रूट कॉज एनालिसिस है। रूट कॉज एनालिसिस को हम ऑलरेडी एरर्स के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। कैन एनीवन रिपीट कि हमने एरर्स के अंदर रूट कॉज एनालिसिस को डिस्कस किया था? अरीबा नासिर, हनिया मसूद, अक्सा मुख्तियार, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के दो मेथड्स हैं। वन इज अ रूट कॉज एनालिसिस है, दूसरा हमारे पास CPI है, दैट स्टैंड्स फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी। रूट कॉज एनालिसिस के अंदर सिंपली ये था कि हमने देखा था एरर्स के अंदर कि जब भी एरर होता है, आइदर फ्रॉम एन इंडिविजुअल है, किसी सिस्टम में होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एरर होता है, तो उस एरर को अप्रोच करने के हमने टू सिस्टम्स पढ़े थे, टू मेथड्स पढ़े थे। वन वॉज एक ओल्ड अप्रोच थी जिसके अंदर उसी पर्सन को जिसके जरिए एरर हुआ है उसी को हम जो है वो टारगेट करते हैं और उसी की ट्रेनिंग करते हैं। अदर जो था सिस्टम था, जो मेथड था, वो न्यू अप्रोच था जिसके अंदर ये था कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन को ही टारगेट नहीं करते, हम उस एरर की डेप्थ तक जाते हैं, हम ऑल W's और A's को यूज करते हैं कि व्हाई दिस एरर हैज हैपेंड, व्हेन दिस हैज हैपेंड एंड हाउ दिस हैपेंड, ताकि नेक्स्ट टाइम उसी एरर को रिपीट होने से प्रिवेंट किया जाए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर जो होता है ये सिस्टम यूज किया जाता है, रूट कॉज एनालिसिस। सेकेंड आज हम सिस्टम पढ़ेंगे, जो मेथड पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, दिस इज द CPI। CPI के अंदर नंबर वन वी हैव द प्रोजेक्ट फेज। प्रोजेक्ट फेज के अंदर इनिशियली जो भी आप काम कर रहे हैं यू आर कंटिन्यू विद दैट। सपोज आप सर्जिकल कोई टेक्निक है वो यूज कर रहे हैं, यू कंटिन्यू विद दैट। कोई मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, यू कंटिन्यू विद दैट। सेकेंड डायग्नोस्टिक फेज होता है, उस टेक्निक के अंदर, उस मेडिकेशन के अंदर, कोई आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपने एरर जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। थर्ड स्टेप के अंदर यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन दैट, दिस इज द इंटरवेंशन फेज। इंटरवेंशन फेज के अंदर जो है वो हम PDSA जो साइकिल है उसको यूज करते हैं। आप एक चेंज है उस, आप एक चेंज को लाना चाहते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको प्लान करेंगे, उस जो है जो एक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट आप उसको स्टडी करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, एक्ट के अंदर जो है वो हम कंक्लूजन लेकर आते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरवेंशन फेज के अंदर हम बेसिकली PDSA साइकिल को यूज करते हैं, और इसके अंदर उन्होंने इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है कि हम डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म वन टेस्ट, उसका कंक्लूजन हमने लिया, उसी के अंदर हम चेंजेस लाए, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए, नेक्स्ट हमने फिर एक और टेस्ट परफॉर्म किया। जो हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के अंदर हमने जो रिसर्च के दो मैथड्स देखे थे, इंटरवेंशन फेज के अंदर जो है वो ये एग्जाम्पल जो होती है वो फिट होती है, जिसमें हमने कहा कि हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेकिन वो टेस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, डेटा कलेक्शन हमारी शॉर्ट होती है और इसमें हम बायस को जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, और जो भी हमारे एक टेस्ट की कंक्लूजन होती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उसके अंदर चेंजेस देखते हैं और नेक्स्ट टेस्ट हम उसके सब्सिक्वेंटली परफॉर्म करते हैं। इंटरवेंशन फेज के बाद हमारे पास है इम्पैक्ट फेज। इंटरवेंशन फेज में यह है कि जो हम चेंज लेकर आए हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, नेक्स्ट हमने उस चेंज को मॉनिटर करना है, उस चेंज के इफेक्ट्स को देखना है कि जब हमने एक टेक्निक को या किसी मेडिकेशन को चेंज किया है उसकी वजह से क्या आउटकम्स आए हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आए हैं, आइदर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं,
स्टैटिक इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं, तो दैट कम्स अंडर द इम्पैक्ट फेज. लास्टली जो हम चेंजेस लेकर आए हैं वो तो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, जो हम पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है. अगर हम ये चाहते हैं कि वो चेंजेस लॉन्ग टर्म में और वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हम जो इम्प्रूवमेंट फेस है उसको सस्टेन कर सकें. अदरवाइज जो हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, जो चेंजेस हम लेकर आए हैं, वो शॉर्ट टर्म होंगे. इंटरवेंशन फेज के अंदर जो पीडीएसए साइकिल होता है, जिसमें हम डिफरेंट रिसर्च कर रहे होते हैं, आइदर हम सिंगल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर यह है कि हमने एक सिंगल फर्स्ट एक टेस्ट परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने सेकंड टेस्ट परफॉर्म किया. ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड जो टेक्निक होती है उसमें यह है कि हम एट अ टाइम जो है मोर देन वन टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और हर टेस्ट के अंदर जब हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे. सो पीडीएसए जो साइकिल होता है उसमें यह है कि हम सिंगल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीपल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम. नेक्स्ट हमने ये कहा था कि जो इम्पैक्ट फेज होता है, जिसके अंदर हम जो चेंजेस लेकर आए हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट्स को देखते हैं. नंबर वन, हमने उसको मुहैया करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है. और जो इंटरवेंशंस हैं, जिसके मैंने एग्जांपल्स दिए कि कोई सर्जिकल टेक्निक हो सकती है, कोई मेडिकेशन हो सकती है, कोई आपकी कोई थेरेपी के अंदर कोई चेंज हो सकता है, कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई चेंज आ सकता है, उसको भी हमने रिवाइज करना है. जिस चेंज को हम लेकर आए हैं उसको हमने फिर से रिवाइज करना है. और लास्टली मॉनिटरिंग है. नेक्स्ट कि हम जो इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है. हम अगर चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म लेकर जाएं और इसको हम अपने सिस्टम का एक हिस्सा बनाएं, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स क्या कर सकते हैं. नंबर वन, आप उस चीज को स्टैंडर्डाइज करें. जो एक चेंज लेकर आए उसको स्टैंडर्डाइज करें. स्टैंडर्डाइज मीन्स डैट कि वो सबके लिए यूनिफॉर्म हो, सबके लिए इजीली अवेलेबल भी हो, फिजिबल भी हो, और ऑल इन दैट पर्टिकुलर जो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग वर्क प्लेस है, जिस वर्क एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए वो यूनिफॉर्म हो, यही वो चीज़ स्टैंडर्डाइज हो सकती है. नंबर टू, डॉक्यूमेंटेशन. जो भी आप चेंज लेकर आए हैं उसको डॉक्यूमेंट करें. नंबर थर्ड स्टेप के अंदर मेजरमेंट है. मेजरमेंट मीन्स है कि आपने उस पर रिसर्च भी करनी है. आप एक चेंज लेकर आए हैं और उसके बाद अगर आपने उस पर रिसर्च नहीं की है, आपने उसके ऊपर रिव्यूज नहीं लिए हैं, तो फिर वो जो चेंज होगा वो यूजुअली शॉर्ट टर्म हो जाएगा. जब तक आप एक चेंज को लेकर आए उसको कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर आप उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते. लास्टली आपने अपने स्टाफ को एजुकेट भी करना है और ट्रेन भी करना है. जैसे आपने कोई नई सर्जिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं, किसी डिजीज को डायग्नोज करने का एक नया क्राइटेरिया बना है, आपने अपने जो स्टाफ है उसको एजुकेट भी करना है और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन भी करना है. रूट कॉज एनालिसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं. आयशा अनवर, अहमद अली मलिक, अली हैदर, कशफ मकसूद, लाइबा नवीद, महीन वसीम, ओके. मैं इम्प्रूवमेंट जो प्रोसेस है, जो CPI है, क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजीज को दोबारा रिपीट करती हूँ. हमने दो मेथड्स पढ़े हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के. नंबर वन CPI है, अदर वन जो है वो RCA है, दैट स्टैंड्स फॉर रूट कॉज एनालिसिस. CPI के अंदर नंबर वन स्टेप के अंदर है प्रोजेक्ट फेज. दिस इज द पाई चार्ट जिसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि नंबर वन प्रोजेक्ट फेज है, जिसके अंदर आप ऑलरेडी जो अपना काम कर रहे हैं यू कंटिन्यू विद दैट.
आप कोई भी टेक्निक हो सकती है, मेडिकेशन है, कोई भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है. यू कंटिन्यू विद दैट. नंबर टू स्टेप में आप उसके अंदर कोई एरर को आइडेंटिफाई करते हैं. नंबर थ्री के अंदर आप उसी चीज के अंदर चेंज लाना चाहते हैं. जो इंटरवेंशन फेज होती है उसके अंदर हम PDSA साइकिल को यूज करते हैं. आइदर वन टेस्ट एट अ टाइम हम परफॉर्म कर सकते हैं या मल्टीपल टेस्ट जो है एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं. इंटरवेंशन फेज के अंदर जो हम चेंज लेकर आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ PDSA साइकिल. नेक्स्ट हमारे पास जो फेज होता है डेट इज द इम्पैक्ट फेज. इम्पैक्ट फेज के अंदर जो हम चेंज लेकर आए हैं उसको हम उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं. और लास्ट हमारे पास है सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज. जो हम चेंजेस लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है, अगर हम चाहते हैं कि उन चेंजेस को लॉन्ग टर्म फेज में लेकर जाएं और उनको हम यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि होल ऑफ दैट पर्टिकुलर जो वर्क प्लेस है वहां पर वो यूज हो सके, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर चेंज को हम स्टैंडर्डाइज करें, उसको डॉक्यूमेंट करें, अपने स्टाफ को उसके लिए ट्रेन करें और एजुकेट करें. लास्टली जो होता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के डिफरेंट टूल्स हम यूज कर सकते हैं. जो हम चेंजेस लेकर आए हैं और जो प्रीवियस क्या सिनेरियोस थे उनको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में हम उनको कैसे शो कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं. फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, इशिकावा या फिश बोन डायग्राम्स हो सकते हैं. इशिकावा जो वर्ड है जापानीज वर्ड है, दैट मीन्स रॉक रिवर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिश बोन. इसमें जो पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जो जो पिक्चर होती है वो फिश लाइक होती है. नेक्स्ट हमारे पास है परेटो चार्ट्स होते हैं और रन चार्ट्स हैं. इन तमाम जो चार्ट्स को डायग्राम्स को हम यूज कर सकते हैं टू डिपिक्ट द चेंज. फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंदर जो है उन्होंने बार चार्ट्स को यूज किया हुआ है. दिस इज द हिस्टोग्राम. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उन्होंने हॉस्पिटल को शो किया हुआ है, न्यू साउथ वेल्स हेल्थ केयर सिस्टम को शो किया हुआ है और कैथलिक एट ऑल जो रिसर्च हुई थी उसको शो किया है. वर्टिकल एक्सिस पर उन्होंने लेंथ ऑफ स्टे दिखाया हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हाउ मैनी डेज जो है पेशेंट जो है वो स्टे कर रहा है. बिफोर रिसर्च बिफोर ब्रिंगिंग द चेंज उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर यूजली जो हॉस्पिटल स्टे था पेशेंट्स का डेट वॉज रीचिंग ऑलमोस्ट 2 weeks. फर्दर जब वो चेंज लेकर आए हैं या उन्होंने NSW हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कंपेयर किया है, उसमें देखा कि उन पेशेंट्स का जो लेंथ ऑफ स्टे था हॉस्पिटल के अंदर इट वॉज जस्ट 1 week. जब डिफरेंट उन्होंने रिसर्च की कि हम ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं, बोथ पेशेंट फैक्टर्स को भी देखा, हॉस्पिटल फैक्टर्स को देखा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के फैक्टर्स को देखा कि ऐसे क्या पॉजिटिव चेंजेस हम ला सकते हैं कि पेशेंट्स का हॉस्पिटल स्टे जो है वो डिक्रीज हो सके. कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट्स के हॉस्पिटल स्टे को इंक्रीज कर देते हैं? एनी एग्जाम्पल? मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ. एक पेशेंट है हु इज हैविंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस जिसके साथ वो इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है. उस पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई है और यूजुअली जो है आफ्टर 1 day जो है ऐसे पेशेंट्स को या इवन सेम डे जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है. लेकिन उस पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे था इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days. उसका जो हॉस्पिटल स्टे है वो इंक्रीज हुआ है. कैन एनी वन गिव एग्जाम्पल कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका हॉस्पिटल स्टे जो है वो इंक्रीज हुआ है, प्रोलॉन्ग हुआ है? उसके अंदर एग्जाम्पल हो सकती है एक्यूट पेशेंट है, सपोज अगर उसकी अपेंडिक्स परफोरेट कर गई है और वो पेशेंट सेप्सिस के साथ आपके पास प्रेजेंट किया है, पेशेंट साइन गैंग्रीनस है, इन दैट केस जो है आपने इलियोस्टमी की पेशेंट की, हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज हो सकता है. सेकेंड एक कॉज हो सकती है कि ड्यूरिंग सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज की है जिसकी वजह से पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे था वो इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो मेथड्स होते हैं जो हम चेंजेस लेकर आते
हैं उनको हम फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं. सपोज इसमें शो किया हुआ है कि समथिंग बैड हैपन, द पेशेंट गोज टू द जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर जो है इन्वेस्टिगेट करता है और रेफर करता है टू द सर्जन, सर्जन ने उसको प्रॉपर हिस्ट्री ली, इन्वेस्टिगेट किया, उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया. नेक्स्ट कम्स अ पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन है, जहाँ पर पेशेंट की असेसमेंट हुई, प्री ऑप हुई, सर्जरी परफॉर्म हुई, पोस्ट सर्जिकल केयर, लेटर ऑन जो है पर्सन रिटर्न्स टू द लाइफ. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फ्लो चार्ट. नेक्स्ट वी हैव द इशिकावा और द फिश बोन डायग्राम. पेरिफ्री के अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स को शो किया हुआ है और सेंट्रली एंड ऑन द फ्रंट जो है हमने इफेक्ट को शो किया हुआ. डिफरेंट फैक्टर्स हैं इस डायग्राम में, इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने शो किया हुआ है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट के हॉस्पिटल स्टे को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, सच एज सोशल फैक्टर्स हैं पेशेंट के, ऑन द बिहाफ ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग या पोस्ट ऑप की सर्जरी कॉम्प्लिकेशन हैं, पेशेंट्स ओन परसेप्शन हो सकती हैं रिगार्डिंग सर्जिकल प्रोसीजर है, या पोस्ट डिस्चार्ज जो है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया. दिस इज द एग्जाम्पल द वे दे हैव शोन ऑल द चेंजेस एंड ऑल द फैक्टर्स ओवर हियर. दिस इज कॉल्ड द इशिकावा और द फिश बोन डायग्राम. नेक्स्ट हमारे पास है परेटो चार्ट. परेटो चार्ट इज जस्ट लाइक द हिस्टोग्राम या बार चार्ट की तरह है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी हमने डिफरेंट फैक्टर्स को शो किया है और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को शो किया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स को शो किया है इस एग्जांपल के अंदर. और नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, किन फैक्टर्स की वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे ज्यादा आ रहा है. लास्टली जो है वो रन चार्ट्स भी यूज किए जा सकते हैं. रन चार्ट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उन्होंने मंथ्स को शो किया है, 1, 2, 3, 4 मंथ्स. इसी तरह जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पर डेज को शो किया हुआ है. बिफोर मेकिंग अ चेंज उन्होंने देखा कि इस एग्जांपल के अंदर कि बिफोर मेकिंग अ चेंज पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल स्टे था एवरेज जो था इट वॉज मोर देन 10 डेज रीचिंग ऑलमोस्ट 2 वीक्स. नेक्स्ट एक मिसहैप होता है, एक एडवर्स इवेंट होता है जिसके बाद they find it necessary के जो है investigate किया जाए और proper research की जाए, उसके बाद जो है कुछ change लेकर आया जाए. Next जब this point पर उन्होंने दिखाया है कि change लेकर आए, जब वो change लेकर आए हैं either उन्होंने कुछ technique में change किया होगा, hospital environment में change है, administration के अंदर change है, working hours के अंदर change किया होगा, जब वो change लेकर आए तो then they see it के जो patients का average hospital stay था it becomes less than 1 week, less than 10 days ho gaya tha. This is the example of the run chart. Is it clear? Okay, students, this was all for today. Aapke patient safety ke jo lectures hain, wo total 7 hain. And today was the last lecture. Any question? No, ma'am. Okay. Ma'am, patient safety का जो final है वो अगस्त में है? जी, finals आपके जो है almost अगस्त में जा रहे हैं. Ma'am, उसके patron क्या होगा? Students, मैं जैसे ही admin inform करेगी मैं आपके साथ जो है वो share कर दूँगी. Ma'am, आप important questions का pool बनवा दीगा kindly. श्योर, वो मैंने सोचा हुआ है, वो मैं आपको वाइवास के लिए जो है ना वो आपको एक पूल बनवा दूंगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. लेकिन डू रिमेम्बर इन केस अगर कोई वाइवा होता है या अगर सिर्फ रिटर्न है, ठीक है, मैं आपका पूल बनवा दूंगी, लेकिन डू रिमेम्बर अगर मैंने आपको लेक्चर्स में कोई एग्जाम्पल्स दी है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. जैसे यहाँ पर जो है मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है कि कोई सर्जिकल टेक्निक है या मेडिकेशन है, ठीक है, आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपने सीपीआई मॉडल को, सीपीआई मेथड को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. तो आपके लिए सिंपली यह है कि आप इसको डायग्राम को जो है वो बनाएं और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करें.
मैम तो ऐसे नहीं होगा कि अगर सारे बच्चे आपकी वाली एग्जांपल दें तो वो सेम लगे आपको. आप अपने भी कोई एग्जांपल जो है जो आपके माइंड में हो आप एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है मैम. बेसिक पर्पस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है. जब आप किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे इट मींस कि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है. एग्जाम्पल जो है वो आप खुद भी दे सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर से आप दे सकते हैं. मैम जो लास्ट टाइम हमारा हुआ था पेशेंट 51 का उसमें भी यही हुआ था कि शॉर्ट क्वेश्चन आए थे पांच पांच नंबर के तो उसमें हमने अपने पास से एग्जांपल दी थी तो सर ने इतने ज्यादा मार्क्स डिडक्ट किए थे तो आप काइंडली बता दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं. आपने वहां पर जो है एग्जांपल्स रेलेवेंट ही दी थी. यस मैम रेलेवेंट ही दी थी. वो ऑनलाइन हुआ था ना पेपर तो वो 11th फेज था तो वो जितना टाइम था तो उतने में एडजस्ट करना पड़ा था तो सर चाह रहे थे कि बहुत एक्सप्लेनेटरी हो तो 2 घंटे में जितना पेपर हो सका. वो 100 मार्क्स का पेपर था और 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन के भी आगे पार्ट थे तो आप इतना एक्सटेंसिव ना पेपर. रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स अगर आपके माइंड में अगर एग्जाम्पल्स हों तो अगर स्पेसिफिक नहीं एग्जाम्पल्स तक जा सकते तो आप जनरल एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. ठीक है. Okay, students, Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.